हेलो दोस्तों, मैं से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एएसटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली बीपीएड कोर्स के बारे में। दोस्तों, हम जो आपको बीपीएड कोर्स कराएंगे या जो भी बीपीएड कोर्स हमारे यहाँ होती है जिसको हम अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू कराते हैं, दोस्तों उसका क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, ऑल ओवर थिंग्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अगर आप पूरी देख लोगे तो आपको फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों, गूगल फॉर्म के लिंक दिए गए हैं 2024 के सेशन के लिए, जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मैं आपको अपडेट दे दूं और फिर आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करके अपनी स्लॉट बुक कर लें, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे बच्चों के एडमिशन इसी वजह से रह गए थे, उनको टाइमली उन्होंने उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया था। तो वीडियो में बनी रहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अब हम बीपीएड कोर्स की सारी डिटेल के बारे में बात करें, जैसे एलिजिबिलिटी क्या, एज, करियर स्कोप, यूनिवर्सिटी और सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, योग्यता है क्या है बीपीएड कोर्स को करने के लिए। तो दोस्तों, बीपीएड कोर्स दो तरह से होती है, या तो आप 12th बेस पर बीपीएड करें तो उसको बोलते हैं बीपीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, जो 4 साल की बीपीएड होती है। इसको कुछ ही चुनिंदा यूनिवर्सिटी कराती है, जो CUET के बेस पर, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके बेसिस पे मोस्टली यूनिवर्सिटी उसे कराती है। तो उसके लिए आपको CUET की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उसमें आपका रिटर्न भी होगा, फिजिकल भी होगा, मतलब काफ़ी सारे वेटेज रहेंगे उसके। CUET वाली मेरी वीडियो देख लेना, मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। या आफ्टर 12th बीपीएड कैसे करें वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, उसको आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूंगा। तो उस वीडियो के बिहाफ पे आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे कैसे 12th के बाद हम बीपीएड कर सकते हैं 4 साल की। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन बेस्ड 2 ईयर। तो ग्रेजुएशन भी दोस्तों, इसमें भी काफ़ी सारी एलिजिबिलिटी, अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से की है, यानी कि किस कोर्स से आपने किया। जैसे कि आपको पता ही है ग्रेजुएशन भी अलग अलग कोर्सेज से होती है, BA, BCom, BSc, अदर। तो दोस्तों, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज से कर रखी है, और आफ्टर 12th फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज कौन से होते हैं, BSc इन फिजिकल एजुकेशन या BPS, अगर आपने ये कर रखे हैं तो डायरेक्ट आप बीपीएड कर सकते हैं बिना किसी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी। बट अगर आपने फिजिकल एजुकेशन के अंदर नहीं कर रखा, आपने BA, BSc, BCom कर रखी है, तो उसके अंदर एक कंपलसरी सब्जेक्ट आता है। अगर आपने वो था, आपका वो सब्जेक्ट था यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, तो भी आप एलिजिबल है बिना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के। बट अगर आपका नहीं है कंपलसरी सब्जेक्ट भी, तब आपको फिजिकल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। कंप्लीट डिटेल वाइज मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे इसके एज क्या है। तो एज कैसे पता लगेगी दोस्तों, तो वो डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी के रिलैक्सेशन पर। अलग अलग कास्ट कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलती है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 33 ईयर्स तक है, 33 साल तक कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास वेटेज है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो हर यूनिवर्सिटी के, आप जब मैं नोटिफिकेशन डालता हूँ तो उसके अंदर बता देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि करियर स्कोप क्या है। तो करियर स्कोप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, TGT लेवल यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लेवल की जो वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ट्रेनर, स्पोर्ट्स ट्रेनर, हेल्थ इंस्ट्रक्टर, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर योगा भी कोर्सेज रहते हैं। तो बहुत सारे करियर स्कोप है गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल दोनों लेवल से। अब बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी, तो हमारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होती है, यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही होती है। बट ये जो कोर्स है ये सेल्फ फाइनेंस होता है, इसका आपको खुद पे करना पड़ता है, NCT अप्रूव्ड रहेगा एंड ये काफ़ी पॉपुलर और वैलिड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह के वैलिडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, RTR भी इजीली हो जाएगा, कराने की जरूरत नहीं, आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए रखे हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करूँ दोस्तों, डिपेंड यहाँ पे कास्ट कैटेगरी पर, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वेटेज पर भी करता है। हर एक यूनिवर्सिटी की जो फीस होगी उससे कम ही फीस आपसे ली जाएगी एफिलेटेड कॉलेज में, क्योंकि नॉन अटेंडिंग एफिलेटेड कॉलेज से होता है, कैंपस से नहीं होता, रेगुलर होता है, पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग की फीस हमारी 60,000 है, यानी 60,000 रुपये है दोनों साल की। उसके अंदर ना तो एग्जामिनेशन, ना प्रैक्टिकल और ना रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूड है। वो डिपेंड करेगा आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास किस लेवल का है, और आप अगर नॉन अटेंडिंग करते तो उसका 5,000 आपको एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि उसमें आपके, आपको पता ही है कि रजिस्टर मेंटेन, काफ़ी सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, तो उसका अलग से फीस इंक्लूड की जाती है। तो कम से कम आप मान के चलिए 60,000 कम से कम, अगर आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उसमें एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल, और ये मैं ईयरली बता रहा हूँ आपको, सेमेस्टर ईयरली की बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पर साल में एक बार एग्जाम होगा, सेमेस्टर में अलग अलग सेमेस्टर में रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। नॉन अटेंडिंग एंड रेगुलर दोनों ही यहाँ अवेलेबल है हमारे पास। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे, तो मोड की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ईयरली और सेमेस्टर दोनों अवेलेबल रहता है। ईयरली का थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लग जाता है क्योंकि वहाँ साल में एक बार एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर में साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पता ही आपको। ईयरली मेरी खुद की पर्सनल यूनिवर्सिटी है जहाँ का मैं फैकल्टी हूँ, तो वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है आपको,
लेकिन अगर वहाँ की सीट फुल जाती है तो आपको सेमेस्टर में फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है, और वहाँ की भी लगभग फीस इतनी ही रहेगी। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एडमिशन प्रोसेस में क्या रहता है, देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, आप फिजिकल फिट हो या नहीं, अपर टेस्ट होता है, एक नॉर्मल सा फिजिकल टेस्ट हो जाता है जिसको आपको पास करना ज़रूरी होता है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विकेट आपको मैंने बता दिया, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी नंबर मिलते हैं अगर आपके पास है, और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन यहाँ पर इजिली आपकी हो जाती है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो अगर RTI में कोई दिक्कत नहीं या गवर्नमेंट जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं आती। रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारा स्लॉट बुक हो रहे हैं, गूगल फॉर्म आप फिल कर लीजिए, उसके बेसिस पे जो भी स्टार्टिंग के रजिस्ट्रेशन रहेंगे हम कर लेंगे। क्योंकि क्या रहता है कि आपको ना तो सही से टाइमली चीज़ें मिल पाती, क्योंकि हो सकता है कि आप भी मिस कर दो, तो मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप गूगल फॉर्म को फिल कर लेना। अब हम आपको फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करेंगे अलग से, सबसे पहले तो आपको टाइमली अपडेट मिलेगा, पार्टिसिपेट कराऊंगा आपको, काफ़ी सारे मैं स्पोर्ट्स इवेंट कराता हूं उनमें, ताकि आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की इन करियर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सके। नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, आपके प्रैक्टिकल के सारी नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिकल कैसे बनाना ये प्रोवाइड करूंगा, और सबसे ज़रूरी आपको वैलिड यूनिवर्सिटी से BPED कराऊंगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहेगी हमारे पास, तो अगर BPED आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं